से विभाग निजी स्कूलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फीस वृद्धि और कोरोना में फीस वसूली का मुद्दा बीते डेढ़ साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अभिभावक स्कूल संचालकों और शिक्षा विभाग के खिलाफ कई बार धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अब अभिभावकों ने विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार कर ली है। नौ सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान अभिभावक संघ 13 सितंबर को विधानसभा घेराव करने जा रहा है। आंदोलन की चेतावनी और रूपरेखा को लेकर आज अभिभावक संघ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा सत्र से पहले नौ सूत्री मांगों की पूरी करने की मांग रखी है। इस दौरान राजस्थान अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि सरकार 1 सितंबर से स्कूल खोलने जा रही है, लेकिन यह जल्दबाजी होगी। सरकार से मांग करते हैं कि स्कूल खोलने से पहले संपूर्ण टीकाकरण किया जाए, साथ ही सरकार बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए निजी स्कूलों में अपने अधीन भी करे। ऑनलाइन क्लासेस का वार्षिक शुल्क 15% निर्धारित किया जाए। ग्रामीण और गरीब बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए सरकार माध्यम भी उपलब्ध करवाए। स्कूल में प्रवेश के लिए टीसी की अनिवार्यता समाप्त करे और निजी स्कूलों को सरकार सूचना के अधिकार में लाए। साथ ही शिक्षा को कॉरपोरेट के हाथों में निकालकर सरकार को अपने हाथों में ले, ताकि शिक्षा को बचाया जा सके। यदि सरकार हमारी इन मांगों को विधानसभा सत्र से पहले पूरा नहीं करती तो 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।